विजयदशमी पर जहां पूरे देश में रावण के पुतले दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत को मनाया गया, वहीं हमीरपुर में बलात्कारी बाबा राम रहीम का पुतला जलाकर कलयुगी रावण से तुलना की गई, तो वहीं गांधी चौक पर जय भीम संगठन के कार्यकर्ताओं ने सरकार से राम रहीम को फांसी देने की मांग की। हमीरपुर में जय भीम संगठन द्वारा विजयदशमी के अवसर पर राम रहीम का पुतला जलाया गया, जिसमें युवाओं ने राम रहीम को आज का सबसे बड़ा रावण बताया और सरकार से राम रहीम को फांसी की सजा देने की मांग की। वहीं जय जवान भीम संगठन के अध्यक्ष ओंकार सिंह भाटिया ने बताया कि आज का जिंदा रावण राम रहीम जैसे लोग हैं जो समाज में युवतियों और महिलाओं पर बुरी नजर रखते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का हर बार विजयदशमी के दिन पुतला जलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज बहु बेटियां धार्मिक स्थलों पर भी सुरक्षित नहीं है, जिसको लेकर सभी सामाजिक संस्थाएं मिलकर आगे आ रही है और बाबाओं का विरोध कर रही है। गांधी चौक में जलाया है क्योंकि आज रामनवमी है, दशहरा है। दशहरे में रावण चाहे श्रीलंका का हो या भारत का हो, जो भी गलत करेगा, महिलाओं के प्रति कुदृष्टि रखेगा, बालिकाओं के प्रति कुदृष्टि रखेगा, उनके साथ गलत व्यवहार करेगा, दुर्व्यवहार करेगा, दुराचार करेगा, उसका यही हशर दशहरे के दिन होगा। वो चाहे बाबा हो या कोई और व्यक्ति, जो आरोपित लोग हैं उनके दशहरे के दिन इसी तरह के पुतले जलाए जाएंगे। और वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया है, और उस नारे के तहत आज दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि बेटियों को बचाना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर धार्मिक श्रद्धा के रूप में बेटियां धार्मिक स्थान पे जाएं और वहां पर अगर बेटियों के साथ उनका शारीरिक शोषण हो, उनका बौद्धिक शोषण हो, उनका दैहिक शोषण हो, तो ये कोई भारतीय पसंद नहीं कर सकता। भले ही दबी जवान में सभी विरोध कर रहे हो, परंतु सामने आकर के विरोध करना अभी तक बहुत कम लोगों की क्षमताएं हो रही हैं। हम लोग सब इकट्ठे होकर के जितने समाज सेवी संगठन है वे भी, और जो जय भीम युवा संगठन है वे भी, आज हमने एक प्रतीक को जलाया है, वो प्रतीक जो रावण से भी कहीं ज्यादा दुराचारी है। ऐसे सभी संत जिनका चरित्र ठीक नहीं है, जिनका महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण ठीक नहीं है, जो केवल अपनी दुकानें महिलाओं की इज्जत लूटने के लिए जिन्होंने खोल रखी हैं, उनका विरोध हर मंच से होगा। और विशेषकर हर दशहरे के दिन ऐसे लोग जो आरोपित नहीं अपितु जिनका आरोप सिद्ध हो चुका है, जैसे कि हम आज यहां राम रहीम को जला रहे हैं क्योंकि इसका आरोप सिद्ध हो चुका है, और सिद्ध होने के बाद उसको 20 साल की सजा है। सजा होने जब सब कुछ हो गया है तो इसका मतलब है कि राम रहीम ने शोषण की दुकान खोल रखी है। जब 33 करोड़ देवी देवता काफी हैं, तो फिर अतिरिक्त डेरों में जाने की आवश्यकता क्यों है? और अगर डेरे के लोग ही सच्चे हैं तो फिर इस तरह राम रहीम जैसे लोग कैसे हैं? आज जरूरत है तर्क बुद्धि को डेवलप करने की, आज जरूरत है परीक्षण को डेवलप करने की, आज जरूरत है निरीक्षण को डेवलप करने की। जिस धर्म में जिस बाबा में को हम स्वीकार करने से पहले अगर उसको हम निरीक्षित नहीं करते, परीक्षित नहीं करते, उसको तर्क की कसौटी पे खड़ा नहीं पाते या उसको वैज्ञानिकता की कसौटी में खड़ा नहीं पाते, हम उन बाबों का विरोध करना चाहते हैं। और मैं नहीं, सारी दुनिया कर रही है। बेटियों के मान और सम्मान की रक्षा बेहद अनिवार्य है। माँ बेटी किसी की भी हो, हम उसके लिए ये काम करेंगे और करते रहेंगे।